मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार में एसपी ट्रैफिक महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में 102 और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ बैठक की गई, जिसमें यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बन सके तथा घायल या रेफर इमरजेंसी में मरीज को इलाज के लिए एम्बुलेंस द्वारा ले जाते हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसी संबंध में यह बैठक की गई है। जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं ड्राइवरों के साथ बैठक के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि जब कोई मरीज को रेफर किया जाता है और एम्बुलेंस ले जाती है तो उनको सेफ या ग्रीन कॉरिडोर दे सके, जिससे जल्द से जल्द किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनके प्राणों की रक्षा में ट्रैफिक पुलिस भी अपना योगदान दे सके। इस अवसर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर मनोज राय सहित अन्य ट्रैफिक पुलिस एवं 108 और 102 एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, मैं ये पूछ रहा था कि दिन में कितने चले जाते हैं? सर एवरेज मानते हैं कोई रेगुलर? आज से 10% की बात नहीं है, ऐसे तो हर पेशेंट उसमें आता है, इमरजेंसी में आता है। मेरा मतलब सीरियस इम्पोर्टेंट कौन सा है जिसके लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, ये तो सर डिफाइन कर पाना होगा उसके लिए, कौन सा ये कौन सा। देखिए ये तो अपडेट हो जाता है, पता चल जाता है कि एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर्स जो है एक्सपर्ट होते हैं करने वाले, वो लोग गेटी बता देते हैं कि इसको तुरंत ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हाँ, जैसे एग्जाम्पल किसी को हार्ट अटैक पड़ा उसके लिए गोल्डन आवर बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सीडेंट वाले के लिए डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इंजरीज कितना है, क्योंकि यहीं पर प्राइमरी एग्जामिनेशन में पता चल जाता है कि लाइफ इज वाट आई मीन टू से। मैं उतना जानना चाह रहा हूँ, हमको दिखाना है। अगर हम कह रहे हैं कि हमको 15 मिनट में या 16 मिनट में पहुँचना है तो 16 मिनट में पहुँचना होगा, इसके लिए हमें रास्ता देना होगा, आपको उसको कॉपरेट करना पड़ेगा। इसका कुछ रियायत है और कोई बात जो आप लोग बताना चाहें इसके अलावा? जब इनिशियली आपसे बात हुई थी तब आपने यही कहा था कि सारे इम्पोर्टेंट नहीं होते, किसी दिन दो जाते हैं किसी दिन और मैक्सिमम 5-6 से ज़्यादा। हाँ, यही बात आपने बोली थी, ठीक बात है। तो आपके में कितने लोग सूचित किया, कितने लोग आएंगे अभी यहाँ से? और एक्चुअली आ रही थी गाड़ी, उसमें केस असाइन हुआ, वो वापस केस असाइन हो गया। कोई बात नहीं, केस असाइन के लिए 1 को 2 को 4 को अरेस्ट कराए आपने, तो कोई नहीं, कोई डिसीजन और इंस्टीट्यूशन गए तो उसको लेकर नहीं, तो आपको देने के लिए हम लाए हार्ड कॉपी बांट दीजिए। सबसे पहले जो फोटो कॉपी लाया वो बांट दीजिए, आगे चल के सभी लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी, चाहे 102 के इंचार्ज हो जिनको आप DI बोल रहे हैं, है ना। इस नंबर को नोट करिए, 4544-0327। इसमें हमें सिर्फ एक बात कहनी है आप लोगों से कि वैसे तो आप लोग काम करते करते पुलिस में एक्सपर्ट हो जाते हैं, व्यक्ति बता देते हैं उसकी क्या सिचुएशन है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग उसी को रिकंडीशन देख के ही जान जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से भी फोन कर ले जा रहे हैं, वहाँ से रेफर होके ही आएगा। मतलब अगर हमको सेफ टाइम मिल जाएगा, सेफ बार 45 मिनट 30 मिनट। आज पुलिस लाइन में हमारी जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं 102 और 108 सरकार द्वारा जो घायलों के लिए या रेफरल केसेस के लिए ले जाते हैं इमरजेंसी में इलाज के लिए, इस कड़ी में हमने एम्बुलेंस के चालकों को बुला के उनको ट्रेन और सेंसिटाइज किया, इसलिए कि यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल को जब वो रेफर होते हैं तो हम उनको एक सेफ पैसेज दे सकें, उनको ग्रीन कॉरिडोर दे सकें, जिससे जल्दी से जल्दी वो अस्पताल पहुँचें और किसी भी घायल व्यक्ति के जीवन बचाया जा सके, उसके प्राणों की रक्षा में यातायात पुलिस भी अपना योगदान दे सके। इसीलिए हम लोगों ने एक कॉमन रणनीति बनाई है, एक हमने रास्ता निकाला है जिसका नाम हमने ग्रीन कॉरिडोर दिया है।
नॉर्मली जब वो बीआरडी जाएंगे तो हम अपने सभी ट्रैफिक कर्मियों को सेंसिटाइज कर देंगे उस चौराहे पर, आगे आने वाले चौराहे पर पहले से ही व्यवस्था बना के रखेंगे ताकि घायल व्यक्ति को जल्दी से जल्दी चिकित्सा मिल सके।